हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चीएस प्रैक्टिस सेट 7। अगर अभी तक आपने चीएस प्रैक्टिस सेट 1 to 6 वॉच नहीं किया है तो आप जाके चीएस की प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत के राज एवं उनमें स्थित सबसे ऊँची चोटी को सही सुमेलित करना है हमें। भारत के राज और सबसे ऊँची चोटी, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। धूपगढ़ चोटी, सारामती चोटी, गुरु शिखर चोटी, डोडा बेटा चोटी। तो आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4321। तो तमिलनाडु तो ये हो जाएगी डोडा बेटा चोटी, राजस्थान तो ये हो जाएगी गुरु शिखर चोटी, नागालैंड तो ये हो जाएगी आपकी सारामती चोटी, मध्य प्रदेश तो ये हो जाएगी आपकी धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर हिमालय व पूर्वी घाट, दक्कन पठार या फिर मध्य मालवा पठार। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट ये भारत में हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने आंसर गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल जिसका नाम है मांडी, वो भारत के किस राज्य में है? तो ये हमारे यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सा या से सत्य है? स्टेटमेंट वन, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। स्टेटमेंट टू, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को आपको क्या करना है, उसका कारण दिया हुआ है जो कि आर से है। अभी कथन है ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो आप सभी अपने आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। फवायुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, तो इसका संकलन हमें किस में मिलता है? ऑप्शन ए अमीर हसन सिज्जी ने, ऑप्शन बी अमीर खुशरू ने, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी ने या फिर ऑप्शन डी हसन निजामी ने। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर हसन सिज्जी ने। तो फवायुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, तो इसका संकलन किसने किया था? तो अमीर हसन सिज्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, डी
मुल्तान। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। तो राजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। क्वेश्चन 9। निम्न में से 1926 ईसा में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 1926 में जो गठित हुई थी नौजवान सभा, उसमें प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? आपके ऑप्शन से भगत सिंह, यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। आई होप आपने आंसर गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, जबकि भगत सिंह, छबील दास, यशपाल ये तीनों ही नौजवान सभा के गठन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी बायोगैस। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक कोका का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातविया। ये कोका का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, बल्कि घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट ये तीनों ही कोका का प्रमुख उत्पादक देश हैं। यहीं जो लातविया है वो राई का उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस कथन पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघीय। संघीय शब्द नहीं है, बाकी लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष ये तीनों ही शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उन्हें इनके कालानुक्रम हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2। तो जहां आपका हरियाणा है वो 1966 में बना था, गोवा 1987 में बना था, झारखंड वो आपका 2000 में बना था, और वहीं तेलंगाना 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या फिर ऑप्शन डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम चुनावों में मतदान ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने? आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 या फिर आर्टिकल 268? आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर लें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 267, जिसे हम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? आपको इनसे सुमेलित करना है राज्य और इसकी राज्यसभा सीटें। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब। 10 सीटें, 7 सीटें, 11 सीटें और 12 सीटें। तो आप सभी अपने आंसर्स गेस कर लीजिए। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4, 2। तो चलिए मैच करते हैं। तो राजस्थान हो जाएगा आपका 10 सीटें हैं जिसमें, गुजरात इसमें 11 सीटें हैं, कर्नाटका इसमें 12 सीटें हैं, वहीं पंजाब में 7 सीटें हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 4, 2। आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।